फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं कन्नौज के सबसे पॉपुलर हिस्टोरिकल प्लेस टेंपल अन्नपूर्णा मंदिर के पास। ये फ्रेंड्स काफ़ी पॉपुलर मंदिर है, यहाँ पर काफ़ी दूर दराज के लोग आते हैं, कह सकते हैं कि फॉरेन तक के लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं। काफ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये माँ अन्नपूर्णा को लोग मानते हैं। ये राजा जो हमारे यहाँ पर राजा थे हुआ करते थे, उन्होंने ये मंदिर बनवाया था और आज काफ़ी पॉपुलर मंदिर है, लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं। और ये देख सकते हैं आप ये देख पा रहे होंगे छोटे छोटे से आपको ये एलिफेंट बने हुए नज़र आते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। लोगों का मानना है कि ये कभी अभी तक किसी ने पूरा गिन नहीं पाया मंदिर के चारों ये जो एलिफेंट छोटे छोटे एलिफेंट्स बने हुए हैं, इनके ऊपर देख सकते हैं आप कई सारे निशान्स लगे हुए हैं। ये लोगों ने निशान लगाए हुए हैं ताकि ये यहाँ के एक कह सकते हैं कि देवी माँ की कृपा की किसी ने अभी तक गिन नहीं पाया और जिसने गिना उसकी मनोकामना पूरी हुई है। जैसा आप देख सकते हैं सभी पर चिन्ह लगे हुए हैं। अभी इसके बाहर एक जाली सी लगा दी गया है ताकि लोग उनको टच ना कर पाए, लेकिन अभी तक किसी ने इसे पूरा गिन नहीं पाया। कई सारे लोगों का मानना है कि अभी तक किसी ने गिन नहीं पाया। आप देख सकते हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल टेम्पल है, हिस्टोरिकल प्लेस है ये त्रिवा कन्नौज का। आप देख सकते हैं इसमें सारे जो एलिफेंट्स हैं छोटे छोटे एलिफेंट्स, इनके ऊपर आपको मार्क्स लगे नज़र आ रहे होंगे। ये लोगों ने गिनने की कोशिश की है, अब कितने लोग सफल हुए आई डोंट नो, बट कभी आप भी आ सकते हैं तो इनको ट्राई कर सकते हैं, गिनने का ट्राई कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। अगर आपने गिना और आपने सही गिन लिया कितने नंबर्स हैं, जितनी बार आप गिनोगे तो मानते हैं लोग कि डिफरेंट नंबर्स आपको शो करेंगे। और मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मंदिर कितना ब्यूटीफुल आपको नज़र आएगा, यहाँ से देख सकते हैं। जो ये आपको बड़ा वाला दिख रहा है ना, हाथी का मुंह दिख रहा है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि मधुमक्खियाँ जो है ना अंदर बाहर जा रही हैं। लोग मानते हैं कि जो भी इसके अंदर जल वगैरह चढ़ाया जाता है वो ये निकास द्वार है। जैसा आप देख भी पा रहे होंगे इसके ऊपर काफ़ी सारा जो प्रसाद है वो बाहर निकल रहा है, इसी वजह से यहाँ पर मधुमक्खियाँ आपको नज़र आ रही हैं। तो ये निकास द्वार है जहाँ से हम अभी निकल रहे हैं। और सिमिलर ये सामने हम देख रहे हैं, अभी इसमें हम जाएंगे। और आप यहाँ से देख सकते हैं वो प्लेस जो कि सबसे सुंदर प्लेस आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। कई लोगों का मानना है कि जो आपको ये सामने तालाब देखने को मिल रहा है काफ़ी गंदा तालाब है। पहले यहाँ पर जब राजा हुआ करते थे तो राजा की जो रानी थी उन्होंने यहाँ पर एक गोल्डन फिश डलवाई थी, जिसमें कहते कि ना जो नाक में पहनने वाली नथनी होती ना वो मछली की पहनाई गई थी। काफ़ी कह बोलते हैं कि यहाँ पर 5 किलो का वो नथनी था सोने का, लेकिन यहाँ पर जो चोर थे ना उन्होंने मछली जब पानी सूखा या जो भी हुआ उन्होंने यहाँ से इस मछली को निकाल लिया और उसके जो सोने का जो नथनी थी उसकी वो निकाल लिया। काफ़ी देख सकते हैं हिस्टोरिकल है, बहुत ब्यूटीफुल यहाँ का प्लेस है। यहाँ पर आप आ सकते हैं घूमने के लिए, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं टूरिस्ट घूमने के लिए। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं सामने टहल रहे हैं, इनको नाम दिया गया पंचवटी। जहाँ से देख सकते हैं जो आपने ये 5 छोटे छोटे टेम्पल देखने को मिल रहे हैं जैसे पंचवटी है, इसमें आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अक्सर लवर्स आते हैं अपनी मन्नतें पूरा करने के लिए, कई सारी जगह आपको उनके नाम से लिखने को मिलेंगे। अभी रिसेंटली इसके ऊपर दोबारा से पेंट हुआ है, आप देख सकते हैं पेंट का सामान भी पड़ा हुआ है अंदर, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत सारे नाम अंदर देख सकते हैं, बहुत मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं अंदर कितने सारे नाम से लिखे हुए हैं, लवर्स के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं देख सकते हैं। मैं एक नाम पढ़ के बताऊँ, विकास, गोविंद, हक्स, लक्ष्मण, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, ये सब लवर्स के नाम लिखे हुए हैं जो अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। आप इनके चारों तरफ फेरे लगा सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है। और सामने आपको ये जो देखने को मिल रहा है कई सारे लोग खड़े हुए हैं ना, ये वर्ल्ड फेमस पशु मेला है जहाँ पर लोग अपने जानवर लाते हैं, गाय, भैंस, बकरी वगैरह वगैरह, यहाँ पर इनका बाज़ार लगता है, मेला लगता है हर वेंसडे और संडे को, जहाँ पर इनका सेल और बाइंग सेल होती है। तो यहाँ पर किसी भी आ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं कि कहाँ पर कन्नौज का सबसे बड़ा बाज़ार लगता है तो वो यहाँ का ही बताएगा। आप देख सकते हैं जानवर खड़े हुए हैं लगातार, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा प्लेस है फ्रेंड्स यहाँ का घूमने के लिहाज से। आप देख सकते हैं इसमें भी
जो मैंने आपको बताया, आप नाम देख सकते हैं, अगेन मैं आपको दिखा सकता हूँ, कई सारे नाम देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, बस तस्वीर से भी ले रहे हैं अपनी। तो यहाँ पर आने के बाद आपको लगेगा, रियलाइज़ होगा कि वाह कि आपने बहुत अच्छी जगह आए हैं। आप देख सकते हैं ये छोटा सा तालाब है जिसके बीचों बीच में ये पंचवटी बना हुआ है, बहुत अच्छा प्लेस है। बच्चे बीच में डांस करते हुए आप देख सकते हैं।